गुणठिम कार्यक्रम के सभी दर्शकों का मैं राज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, मां लक्ष्मी का, मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि नए वर्ष 2024 में आपको नौकरी में पदोन्नति मिले? क्या आप चाहते हैं कि नए वर्ष में बिजनेस में आपको मनचाहा लाभ मिले? क्या आप सिर से संबंधित, न्यूरो से संबंधित, स्किन से संबंधित बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि नए वर्ष में आप नेम एंड फेम बने, आपके जीवन में, आपके घर में धन धान्य, यश वैभव कीर्ति बनी रहे? यदि हाँ, तो दोस्तों सोमवार 15 जनवरी सन 2024 को सूर्य आराधना, तीर्थ स्नान, दान कर्म आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, आपके सभी शारीरिक कष्टों को दूर करने वाला है। लकवा न्यूमरोलॉजी, लकवा जैसी बीमारी, न्यूरोलॉजी से बीमारी, सिरदर्द रोगों से पीड़ित लोगों के लिए मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य वरदान माना गया है। तो आइए जानते हैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में मकर संक्रांति पर राशि अनुसार किए जाने वाले दान पुण्य के बारे में। मकर संक्रांति का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मकर संक्रांति का पुण्य काल क्या रहेगा और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने से आपकी राशियों के ऊपर क्या शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेगा, इन सब पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं, शुरुआत करते हैं मकर संक्रांति का पुण्य काल कब रहेगा और किस दिन रहेगा। तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति का पुण्य काल कब रहेगा। रविवार दिनांक 14 जनवरी सन 2024 पोष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रात्रि 2:43 पर भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात मकर संक्रांति लगेगी। तो मकर संक्रांति का पुण्य काल सोमवार दिनांक 15 जनवरी सन 2024 को सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहेगा। सर्वश्रेष्ठ दान पुण्य सोमवार दिनांक 15 जनवरी सन 2023 को करना शुभ रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि वर्ष 2024 की पहली संक्रांति अर्थात मकर संक्रांति का रूप क्या रहेगा और मकर संक्रांति का देश पर, आम जीवन पर क्या शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 2024 में मकर संक्रांति घोड़े पर सवार होकर धोबी के घर में प्रवेश कर रही है। संक्रांति प्रवेश काल के समय विष्टिकरण मौजूद रहेगा, अतः इस बार की संक्रांति का वाहन अश्व अर्थात घोड़ा बनेगा और उपवाहन सिंह बनेगा। वार नाम घोड़ा व नक्षत्र नाम महोदरी रहेगा। ब्राह्मण जाति की यह संक्रांति अपने शरीर पर बिलाव के पसीने का लेप लगाकर, काले रंग के वस्त्र धारण करके और दुर्वा की माला धारण करके, हाथ के अंदर भाला शस्त्र लेकर, पत्ते के पात्र में खिचड़ी का भोजन करते हुए, सेवन करते हुए, अपनी बैठी हुई अवस्था में और वृद्ध अवस्था में रात्रि के तित्य याम में यानी तित्य प्रहर के अंदर प्रवेश कर रही है। अतः आने वाला समय फिल्मी जगत के लिए, पत्रकारों के लिए, मार्केटिंग कार्य क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं रहेगा। वाहन, अस्त्र, शस्त्र, कपड़े से जुड़े व्यापारियों को लाभ कम प्राप्त होगा। राजनीतिक पार्टियों, नेतागणों, मंत्री, राजपत्रित अधिकारियों के लिए यह संक्रांति मध्यम फलदायक रहेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विशेष प्राथमिकता पिछड़े वर्ग को सबल बनाने में रहेगी। आतंकवादियों, देशद्रोही, अलगाववादियों के लिए यह मकर संक्रांति कष्ट
कारक रहेगी, अर्थात उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उद्योगपतियों और व्यवसायिक लोगों को शुभ फल प्रदान करेगी मकर संक्रांति। उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी और वर्ष 2024 में उत्तम वर्षा का योग बनता है। चूंकि संक्रांति 15 मुहूर्त की है तो 15 मुहूर्त की होने के कारण खाने की चीजों के दाम में तेजी आएगी, अन्न के दामों में तेजी आएगी। संक्रांति के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए संक्रांति प्रवेश काल के समय बैठना नहीं चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमने बात करी कि संक्रांति का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रविवार दिनांक 14 जनवरी 2024 को मध्य रात्रि में सूर्य का महाराशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव की राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य के इस संचरण का गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, तो सूर्यदेव का मकर राशि में होने वाला महाराशि परिवर्तन आप में से किन दशकों को, किन राशि वाले लोगों को बनाएगा अमीर, किनके पास होगा गाड़ी बंगला पैसा, तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव आपकी राशि से 10th हाउस में दशम भाव के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। क्या होगा महाराज, सूर्य का यह गोचर आपके लिए मध्यम फल प्रदान करने वाला रहेगा। नौकरी बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको रखना होगा ध्यान। मकर संक्रांति का महादान भी जान लेते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र की 14 पुस्तक विद्यार्थियों को दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन, सूर्य का महाराशि परिवर्तन, सूर्य का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में अर्थात भाग्य स्थान में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज, सूर्य के महाराशि परिवर्तन से भाग्य का मिलेगा कम साथ, करनी होगी मेहनत ज्यादा, भाग्य पर डिपेंडेंसी कम, हार्डवर्क पर डिपेंडेंसी ज्यादा, और नौकरी व्यापार में करना होगा संभल कर काम। स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है। मकर संक्रांति का महादान 5 किलो शक्कर का दान गुरुद्वारे में या मंदिर में लंगर के लिए कीजिएगा, निश्चित तौर पर मकर संक्रांति के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से तृतीय भाव का स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा, यानी आपकी राशि से अष्टम भाव के अंदर सूर्य का महाराशि परिवर्तन हो रहा है। तो क्या होगा महाराज, भाग्य पर आश्रित मत रहिएगा, मेहनत पे भरोसा रखिएगा, जितनी मेहनत करोगे फल उसके अनुसार ही मिलेगा। विवादों से बचना होगा, सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, पेट त्वचा हड्डी के रोग आपको कर सकते हैं हैरान परेशान। मकर संक्रांति का महादान 3 किलो हरे मूंग की दाल का दान वृद्धाश्रम में कीजिएगा। कितने, 3 किलो हरे मूंग की दाल का दान वृद्धाश्रम में कीजिएगा, निश्चित तौर पर सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपकी राशि के द्वितीय भाव के स्वामी हैं और सूर्य का महाराशि परिवर्तन, सूर्य का गोचर आपके 7th हाउस के अंदर होने जा रहा है। क्या होगा महाराज, हो सकता है रुपए पैसों का बड़ा नुकसान। और क्या होगा महाराज, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके दाम्पत्य जीवन में आ सकता है भारी तूफान। वर्किंग सेक्टर में
करना पड़ सकता है विवादों का, परेशानियों का सामना। मकर संक्रांति का महादान क्या रहेगा? सफेद तिल, सफेद वस्त्र और साबुदाने का दान यथाशक्ति मंदिर में कीजिएगा, ब्राह्मण को कीजिएगा। निश्चित तौर पर मकर संक्रांति के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और सूर्य परिवर्तन के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से सष्टम भाव में, छठे भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और गोचर की अवधि में आपके छठे भाव के अंदर गोचर करेंगे, तो उससे क्या होगा महाराज? तो सूर्य का महाराशि परिवर्तन में गुप्त शत्रु कर सकते हैं आपको हैरान परेशान, पीछे से वार करने वाले आपको परेशान कर सकते हैं, बैक बाइटिंग हो सकती है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद से रहना होगा आपको कोसों दूर, और कड़ी मेहनत से मिलेंगे मन चाहे परिणाम। अगर आप हार्डवर्क करोगे, हम कहते हैं यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय योर हार्डवर्क, आप अपने लिखे को भी बदल सकते हैं अपने हार्डवर्क से, तो कड़ी मेहनत करना। मकर संक्रांति का महादान 1.25 किलो गुड़, 1 मच्छरदानी और 1 कंबल का दान किसी दरिद्र नारायण को, भिक्षुक को कीजिएगा। निश्चित तौर पर सूर्य के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी, मकर संक्रांति के शुभ लाभ आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से पंचम भाव में, 5th हाउस में होने जा रहा है। क्या होगा उससे? सूर्यदेव चूंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और सूर्य का गोचर पंचम भाव में होगा, तो पढ़ने वाले बच्चे, विशेष तौर पे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा आप। अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा, मजबूत करना होगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, ओवर नहीं ले जाना है, बढ़ाना है। संतान संबंधित चिंताएं कर सकती है हैरान परेशान, पिता के स्वास्थ्य का रखना होगा विशेष रूप से ध्यान। मकर संक्रांति का महादान गौ माता को गुड़ खिलाइएगा, गरीब लोगों को, दरिद्र नारायण को यथाशक्ति कमलों का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर सूर्य राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी और मकर संक्रांति के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। चलिए एक समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा अशो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं मकर संक्रांति पर राशि अनुसार किए जाने वाले महादानों के बारे में, साथ ही सूर्य राशि परिवर्तन का आपके ऊपर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में बात कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, आगे की राशियों की बात करते हैं। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 4th हाउस में, 4th भाव में होने जा रहा है, तो क्या होगा महाराज? सूर्यदेव आपकी राशि 1.5 भाव के स्वामी हैं और 4th भाव के अंदर गोचर करेंगे, तो जमीन जायदाद माता के सुख में हो सकती है कमी। किसमें? जमीन जायदाद माता के सुख में कमी हो सकती है। मानसिक अवसाद कर सकता है आपको हैरान परेशान। नौकरी हो या बिजनेस, करे शांत मन से काम, ठंडे दिमाग से कूल रहकर काम कीजिएगा। मकर संक्रांति का महादान 11 अपाहिज लोगों को भोजन कराइएगा। निश्चित तौर पर सूर्य संक्रांति के, मकर संक्रांति के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी और शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य आपके 10th भाव के स्वामी हैं, गोचर की अवधि में सूर्य आपके
तृतीय भाव में गोचर करेंगे, अर्थात सूर्य आपकी राशि से थर्ड हाउस के अंदर गोचर करेंगे, प्रवेश करेंगे, संचरण करेंगे। तो क्या होगा महाराज, एक तो आपको आलस्य को त्यागना होगा, आलस्य को त्यागना होगा। भाई बहनों में हो सकता है वैचारिक मतभेद, सपने देखना है तो सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास भी करना होगा। नौकरी व्यवसाय में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, स्पीड ब्रेकर जैसी रोड रहेगी, इसलिए नौकरी व्यवसाय में अपनी गति को कंट्रोल में रखिएगा, एडवेंचर नहीं करना है। मकर संक्रांति का महादान क्या रहेगा, कन्याओं के अनाथाश्रम में 11 किलो गाजर का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर सूर्य संक्रांति के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी, मकर संक्रांति के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव आपकी राशि से नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और सूर्य का गोचर महाराशि परिवर्तन आपके सेकंड हाउस में होने जा रहा है, द्वितीय भाव में होने जा रहा है। क्या होगा उससे, धन आएगा धन जाएगा, पैसा आएगा पैसा जाएगा, दोनों ही काम होंगे, आएगा भी सही और जाएगा भी सही। भाग्य के भरोसे मत बैठना, अपने कर्म पर विश्वास करना। डोंट डिपेंड ऑन योर लक, पुट योर 200% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द गॉड। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना। मकर संक्रांति का महादान क्या रहेगा, 11 रजाई का दान अंधे बच्चों के अनाथाश्रम में स्कूल में कीजिएगा, यथाशक्ति मिनिमम 11 तो करनी है। निश्चित तौर पर सूर्य संक्रांति के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी और शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव आपकी राशि के अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि में ही गोचर करेंगे, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज, मानसिक परेशानियां, मेंटल स्ट्रेस कर सकता है आपको परेशान, नौकरी हो या बिजनेस, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लॉट ऑफ हर्डल्स आर देयर इन जॉब सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर, एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मकर संक्रांति का महादान, 5 किलो सफेद तिल के लड्डू, रात्रि समय में फुटपाथ पर पल रहे बच्चों में, सो रहे लोगों के अंदर वितरित कीजिएगा, निश्चित तौर पर सूर्य संक्रांति के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और गोचर के दौरान आपके द्वादश भाव के अंदर प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे, संचरण करेंगे। तो क्या होगा महाराज, जुआ, सट्टा, लॉटरी, जमानत इत्यादि अनैतिक कार्यों से रहना होगा कोसों दूर। और क्या होगा महाराज, आमदनी के मुकाबले खर्चों में है प्रत्याशित वृद्धि होने के योग बनेंगे। व्यर्थ के अपमान अपयश से आपको बचना होगा। मकर संक्रांति का महादान, गुड़ से बनी गजक कुष्ठ आश्रम में चले जाइए, जहां कुष्ठ रोगी रहते हैं, तो कुष्ठ आश्रम में जाकर गुड़ से बनी गजक का यथाशक्ति दान कीजिएगा, सूर्य संक्रांति के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य आपके सष्टम भाव के स्वामी है और गोचर के दौरान आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपके 11वें भाव में होगा। क्या होगा, बिजनेस में लाभ में बड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, बिजनेस में बड़ा नुकसान हो सकता है, और पैसों के लेन देन में विशेष रूप से ध्यान रखना। और अपने कार्य क्षेत्र में, वर्किंग सेक्टर में आपकी जो गति है, आपकी जो स्पीड है, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। मकर संक्रांति का महादान, ऊनी कपड़ों का, ऊनी स्वेटर का यथासंभव दान मानसिक रोगियों के लिए
पागलखाने में जो रोगी हैं उनको दान कीजिएगा, ऊनी कपड़ों का, स्वेटर का यथासंभव दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। आइए जल्दी से जानते हैं मकर संक्रांति पर किए जाने वाले कुछ महाचमत्कारिक उपाय। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर एक कलश में स्वच्छ जल भरकर उसमें थोड़ा सा गुड़, रोली, लाल चंदन, अक्षत, लाल पुष्प डालकर दोनों हाथों को इस तरीके से ऊंचा करके सूर्य भगवान को प्रणाम करके सूर्य मंत्र ओम घणी सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए अर्घ प्रदान कीजिएगा। लाल रंग की वस्तुओं का दान, तिल, गुड़ का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर मनचाही सफलता आपको प्राप्त होगी। आइए जानते हैं कुछ ऐसे काम जो आपको संक्रांति के दिन नहीं करने हैं। मकर संक्रांति के दिन किसी भी तरह के नशे, सिगरेट, शराब, गुटखा आदि से खुद को दूर रखें। मकर संक्रांति के दिन महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी भी पेड़ पौधे की कटाई छटाई नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने घर में गौ माता या भैंस को पालते हैं तो मकर संक्रांति के दिन उनका दूध नहीं धोना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन गलती से भी लहसुन का, प्याज का, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अपनी वाणी को पवित्र रखें, पूरा दिन किसी को अपशब्द न कहें, गुस्सा नहीं करें, सभी के साथ मधुरता के साथ पेश आए। स्नान दान करके ही कुछ खाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आपके घर पे कोई भिखारी, साधु, बुजुर्ग आता है तो उसे घर से खाली हाथ ना जाने दीजिएगा। जो कुछ हो सके यथाशक्ति दान देकर विदा कीजिएगा। संध्या काल में सूरज ढलने के पश्चात अन्न का सेवन नहीं करना है और रात्रि समय में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उपासना का लाभ अवश्य उठाइएगा। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज के एपिसोड में बस इतना ही, कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।